दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का अगले मैच की, जो ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और साथ में आयरलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 36 16 जून को रात 8 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार ये मुकाबला आपको लाइव से देखने को मिलेगा सेंट्रल बोरोवर्ड स्टेडियम में। अब देखो आपको फैंटेसी के लिए इस मैच में किस प्रकार से टीम क्रिएट करके चलना है। इस मैच में बात करें तो दोनों ही टीम ऑलरेडी इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका, बात करें तो पाकिस्तान टीम तो ऑलरेडी बाहर ही हो चुका, साथ में यहां पर से आयरलैंड टीम भी बाहर हो चुका। तो आपको मेगा ग्रैंड लीग का किस प्रकार से इस मैच में टीम क्रिएट करके चलना, मैं आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहां पर से हम लोग फोकस करेंगे कि ये जो मुकाबला खेला जा रहा है सेंट्रल बोरोवर्ड स्टेडियम में, ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो मैं आपको पूरी बारीकी से बताऊंगा कि पीस रिपोर्ट क्या रहने वाला है। आप देखो पीस रिपोर्ट जानना T20 वर्ल्ड कप के मैच में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता, पीस रिपोर्ट आपको पूरी बारीकी से पता हो जाता तो भाई आपको तो ये मालूम हो जाएगा कि आज का पीस रिपोर्ट क्या रहने वाला, बॉलिंग पीस होने वाला या बैटिंग पीस होने वाला, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम में डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के चलेंगे, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हो। सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में देखो प्लेयर्स स्टैट्स बताऊंगा कि प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा है, हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट होगा या फिर आयरलैंड की तरफ से कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा, और मेगा ग्रैंड लीग की टीम में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन सा होने वाला। और बहुत सारा लोग मुझे यही कमेंट करते हैं भाई बार बार मेगा ग्रैंड लीग मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत बनने की वजह से, गलत बनाने की वजह से मैं चूक जाता हूं, तो मैं आपको परफेक्ट कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन बताऊंगा कि इस मैच में आपको कैप्टन किससे बना करके चलना, वाइस कैप्टन किससे बना करके चलना है। साथ में देखो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, टॉस होने के बाद मैं आपको बता दूं तो बने बनाया हुआ जो आपको टीम देखने को मिलता वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता। बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिनको टीम नहीं बनाने आता, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री में बने बनाया हुआ टीम आपको टॉस होने के बाद, यानी जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम में मैं लाखों रुपया इन्वेस्ट करता हूं, सेम वही टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप लोग बड़े आसानी तरीका से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और साथ में जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो थोड़ा प्यार और समर्थन दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल भी सब्सक्राइब हो रहा है, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिससे ये होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक जाता, तो मैं रोजाना अपने चैनल पर बता दूं तो भाई आपको ड्रीम इलेवन से रिलेटेड प्रेडिक्शन का वीडियो देखने को मिलता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर लेना। जो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा, भाई अभी तक के T20 वर्ल्ड कप का मैं आपको बता दूं तो T20 वर्ल्ड कप का मैच जो गया हुआ यहां पर से 30 मैच तकरीबन, भाई मैं आपको बता दूं तो 30 मैच में मैंने आपको क्लीन स्वीप करा करके दिया हूं। जो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है सभी को पता है कि आपका भाई का टीम कैसा होता और आपका भाई डेली का कितना विन करता, तो अभी तक के आपने ज्वाइन करने पीछे रह गए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। अब देखो पीस रिपोर्ट पूरी बारीकी से समझते हैं कि पीस रिपोर्ट क्या रहने वाला। बात कर लूं मैं इस वैन पर, तो इस वैन पर टोटल जो मैच खेला गया वह 15 मैच खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाली टीम ने 11 मैच को विन किया, वही बैटिंग सेकेंड करने वाले टीम ने 4 मैच को विन किया, तो थोड़ा एडवांटेज रहेगा कि जो टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई दे वह मैच विनिंग का चांसेस भी उसी टीम का रहेगा। अब देखो स्कोरिंग पैटर्न्स की बात करें तो 150 रन का स्कोरिंग 3 बार हुआ है, 150 और 169 के बीच में 3 बार स्कोरिंग है, 170 और 189 के बीच में 6 बार स्कोरिंग हुआ, 190 के ऊपर तो 3 बार 190 के ऊपर स्कोरिंग है। अब यह समझना कि पाकिस्तान टीम यदि फर्स्ट डाउन बैटिंग करे तो आपको जो स्कोरिंग देखने को मिलेगा वह 180 के ऊपर आपको बे आसानी तरीके से स्कोरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वैनू का एवरेज स्कोर 167 का एवरेज स्कोर है, तकरीबन ये बोल सकते हो वैनू का जो एवरेज स्कोर है 170 का ही एवरेज स्कोर है, और पाकिस्तान टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करे थोड़ा वो देखा जाए तो भाई यहां पर से पाकिस्तान टीम स्ट्रांग टीम है आयरलैंड के अगेंस्ट, ये बोल सकते हो, तो आपको इस मैच में 180 के ऊपर स्कोरिंग
भी देखने को मिल जाएगा यदि पाकिस्तान टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तब। वही बात करें आयरलैंड टीम का, तो आयरलैंड टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए आपको दिखाई दे तो 150 160 के बीच में आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना कम स्कोरिंग देखने को क्यों मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर से पाकिस्तान की तरफ से पेसर्स बॉलर में बात करोगे तो क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, साथ में यहाँ पर से हरीश रॉफ, ये तीन पेसर्स बॉलर आपको इस वैन पर काफी ज्यादा एडवांटेज दिखाई देगा। साथ में स्पिनर्स बॉलर्स भी बड़े आसानी तरीके से विकेट निकाल करके जाता है इस वैन पर। यदि मैं बात करूं जितना भी ये मुकाबला 15 मुकाबला खेला गया उसमें पेसर्स बॉलर्स को 64 विकेट, यानी यहां पर से 64 जो विकेट निकाल करके गया पेसर्स बॉलर्स, 54% जो विकेट मिलता हुआ पेसर्स बॉलर्स को, स्पिनर्स बॉलर्स भी इस वैन पर 46% विकेट निकाल करके जाता। पिछले ये मैच 15 मैच में 54 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स को और 64 विकेट जो मिला वह पेसर्स बॉलर्स को मिला। तो यहां पर से आप ये समझना कि पिच जो होने वाला हुआ बैटिंग पिच के साथ साथ यहाँ पर बॉलिंग की बात करूंगी तो पेसर्स बॉलर्स थोड़ा एडवांटेज रहता है स्पिनर्स बॉलर्स के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर से 54% विकेट जो निकाल करके जाता वह पेसर्स बॉलर्स निकाल करके जाता। तकरीबन आप ये बोल सकते हो कि स्पिनर्स बॉलर्स भी यहाँ पर से बड़े आसानी तरीके से विकेट निकाल करके जाता। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि पेसर्स बॉलर्स, आपको तो पता ही होगा कि भाई चलो पेसर्स बॉलर्स में शाहीन अफरीदी, हरीश रॉफ और नसीम शाह, यानी पाकिस्तान की तरफ से ये तीन पेसर्स बॉलर्स में से आप टारगेट करो कि दो या तीनों पेसर्स बॉलर्स को अपनी टीम में लेके चलना। लेकिन आयरलैंड की तरफ से कौन सा स्पिनर्स बॉलर्स होगा या फिर कौन सा पेसर्स बॉलर्स को अपनी टीम में लेके चलना, या फिर स्पिनर्स बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा स्पिनर्स बॉलर्स इस मैच में विकेट निकाल करके जाने वाला। अब देखो रीसेंट जो मैच खेला गया इस वैन पर, इससे आप लोग को क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना स्कोरिंग देखने को मिलेगा, कितना पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाने वाला या फिर कितना स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जाने वाला। सबसे पहले यहां पर से ये जो मैच खेला गया इंडिया और साथ में वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, जिसमें इंडिया टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन है। वही बात में यहां पर से वेस्ट इंडीज टीम चेज करते हुए 18 ओवर में 2 विकेट पर 171 रन बनाया। फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट मिला तो स्पिनर्स बॉलर्स भी 4 विकेट निकाल करके गया। फिर यहां पर से वेस्ट इंडीज टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 178 रन का स्कोरिंग किया। वही इंडिया टीम ने चेज करते हुए 189 रन बनाया। अब यहां पर देखो पेसर्स बॉलर्स को फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के यहां पर भी 5 विकेट मिला तो स्पिनर्स बॉलर्स भी 4 विकेट निकालते हुए दिखाई दे रहा। फिर इंडिया टीम का स्कोरिंग 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन, वेस्ट इंडीज टीम चेज करते हुए 10 विकेट पर 132 रन बनाया। पेसर्स बॉलर्स को 9 विकेट तो स्पिनर्स बॉलर्स को भी 5 विकेट मिला। फिर यहां पर देखते हैं टीम इंडिया का स्कोरिंग 20 ओवर में 7 विकेट पर 188 रन, वेस्ट इंडीज टीम चेज करते हुए पूरा 100 रन का स्कोरिंग किया। पेसर्स बॉलर्स को यहां पर 5 विकेट मिला। वही स्पिनर्स बॉलर्स की मैं बात कर लूं तो 1100 विकेट निकाल कर किया, वो स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकाल कर किया। अब देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर ये तीन मैच में देखोगे तो स्पिनर्स बॉलर्स और साथ में पेसर्स बॉलर्स आसानी तरीके से विकेट निकालते हुए दिखाई दे रहा। थोड़ा यहाँ पर से एडवांटेज रहता कि पेसर्स बॉलर्स ज्यादा विकेट निकाल रहा तो वही स्पिनर्स बॉलर्स कम विकेट निकालते हुए दिखाई दे रहा। लेकिन एक ऐसा भी मैच यहाँ पर से देखोगे तो कुल 1100 विकेट मिला, वह स्पिनर्स बॉलर्स को कुल 11 विकेट मिला। तो ये समझना की बहुत सारा लोग ये समझ करके टीम क्रिएट करें चलो इस मैच में भी मैं अपनी टीम में अधिक से अधिक पेसर्स बॉलर्स को ही लेकर के चलूंगा, लेकिन भाई ये वैन्यू अलग होने वाला, डिफरेंट वैन्यू पर मुकाबला खेला जा रहा है। अब देखो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में मैं बात कर लूं तो दोनों टीम के बीच जो मैच खेला गया यहाँ पर से 4 मैच खेला गया T20 फॉर्मेट में। एक मैच जो विन किया वह आयरलैंड टीम ने विन किया और एक मैच जो विन किया वह पाकिस्तान टीम ने विन किया। और गाइस देखो पाकिस्तान को हर हमेशा टक्कर देते हुए नजर आ जाता है आयरलैंड टीम। अब बहुत सारा लोग ये सोचेंगे कि चलो मैं अपनी टीम में अधिक से अधिक जो प्लेयर्स को लेकर के चलूंगा वह पाकिस्तान की तरफ से टारगेट करेंगे कि अधिक से अधिक मैं अपनी टीम में प्लेयर्स को पिक करूंगा, 7 से 8 खिलाड़ी पिक करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, ओनली 2 से 3 खिलाड़ी टारगेट करेंगे कि आयरलैंड की तरफ से लेकर के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं तो टीम का रेशियो किस कंडीशन में क्रिएट करके चलना आगे मैं आपको बताऊंगा। अब वही रीसेंट फॉर्म की बात करें आयरलैंड टीम का तो पिछले 5 T20 मुकाबला में 2 मुकाबला अपना कंटिन्यू लॉस्ट किया, इधर 2 मुकाबला विन करते हुए आ रहा है। वही पाकिस्तान टीम की बात करें तो पिछले 5 मैच में 3 मैच लॉस्ट किया और 1 ही मैच विन करते हुए आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो सेम आए मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, फिर यहां पर से उस्मान खान, इमाद वसीम, सदाब खान, नसीम शाह, फिर यहां पर से शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हरीश रॉफ, जो कि कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। अब देखो ये जो प्लेइंग 11 टीम है इसमें जो भी चेंज होता है, जो भी चेंजेस होगा मैं आपको अपडेट करके टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ आपको टीम ही नहीं देखने को मिलता, मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट
लेटेस्ट अपडेट होता है वह टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता। तो अभी तक के नए ज्वाइन किए तो भाई सबसे पहले मैं आपको सजेशन करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। अब देखेंगे कि कौन सा बॉलर आपको प्रॉपर रूप से चार ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेगा। चार ओवर की बात करोगे देखो मोहम्मद यहाँ पर से हरीश राव पूरे चार ओवर, मोहम्मद आमिर पूरे चार ओवर, साथ में यहाँ पर से बात करें साहिन अफरीदी पूरे चार ओवर, नसीम शाह पूरे चार ओवर, अब यहाँ पर से देखा जाए तो शादाब खान और इमाद वसीम ये दोनों बॉलर्स में बात करोगे तो भाई कोई एक बॉलर्स को यदि स्टार्टिंग के ओवर में समझ लो कि इस बैन पर एक विकेट मिलता तो ये दोनों बॉलर्स में से कोई एक बॉलर जो कि पूरा आपको चार ओवर बॉलिंग करते हुए नजर आ सकता तो इस बीच में हो सकता तो पेसर्स बॉलर्स का ओवर कटने की चांसेस रहेगा। अब ये चीज पूरे क्लियरली नहीं कि यहाँ पर से कौन सा पेसर्स बॉलर्स का पूरा चार ओवर बॉलिंग करते हुए नहीं दिखाई देगा। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर से बात करें तो मोहम्मद आमिर की हो सकता तो ओवर करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ सकता, लेकिन यहाँ पर से इमाद वसीम और साथ में शादाब खान ये दोनों में से कोई एक बॉलर्स की बात करें तो काफी अच्छा खासा विकेट निकाल करके जाता तो हो सकता है यहाँ पर से इमाद वसीम पूरा चार ओवर कहीं बॉलिंग करते हुए दिख जाए या फिर यहाँ पर से पूरा चार के चार ओवर बॉलिंग करते हुए शादाब खान नजर आ सकता। अब स्टार्टिंग और साथ में डेथ के ओवर में कौन सा बॉलर बॉलिंग करते हुए दिखेगा तो मैं सबसे पहले बात कर लूं स्टार्टिंग के ओवर में, तो स्टार्टिंग के ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं साहिन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, ये तीन बॉलर्स आपको स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। डेथ के ओवर में बात करें तो साहिन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हरीश राव जो कि कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। अब पाकिस्तान की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना और कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना। तो सबसे पहले मैं यहां पर से बात करूंगा सेम आयुब के बारे में जिनका बैटिंग स्टाइल की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करके जाते हैं। रीसेंट फॉर्म में देखोगे तो रीसेंट फॉर्म में 2-6-14-6-45 पिछले 5 मैच में देखिए तो एक ही मैच में बड़ा स्कोरिंग देखने को मिला, 45 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे, लेकिन हेड टू हेड में 2 मैच में 65 रन बनाए और 21 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। फर्स्ट इनिंग में 10 मैच में 194 रन 21 का एवरेज, सेकंड इनिंग में 9 मैच में 94 रन और 11 के एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अपने टीम में इस मैच में सेम आयुब को मौका दे करके जा सकते हो, लेकिन कब मौका देना, मेगा ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करते हो, मेगा ग्रैंड लीग का टीम बनाते हो, उस टीम में आपको फिक्स है कि इस मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स बनते हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे। अब बनते हुए कब दिखा देंगे, फर्स्ट राउंड बैटिंग करते तो इनके बल्ले से ये समझ लेना कि बैटिंग पीछे तो कहीं ना कहीं आपको 40 प्लस या ये समझ लेना कि 40 के या 45 के आसपास आपको स्कोरिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हर हमेशा मेगा ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करते हो तो 1-2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी यूनिक पिक करने की कोशिश करना। बहुत सारा लोग इस कंडीशन में टीम क्रिएट करेंगे, चलो दुनिया जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलने मैं भी अपनी टीम में उसी खिलाड़ी को लेकर के जाऊंगा, तो भाई मैं आपको बता दूं मेगा ग्रैंड लीग का सबसे अलग और सबसे यूनिक टीम क्रिएट करने के लिए आपको 2-3 खिलाड़ी यूनिक खिलाड़ी पिक करना हर हमेशा रहता जब आप टीम बनाते हो तब। अब फिर बात कर ले यहां पर से मोहम्मद रिजवान का, तो राइट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल रहता रिसर्व फॉर्मेट 53-31-9-23-0-56-75 एक रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में आयरलैंड के सामने 3 मैच में 132 रन और 66 का एवरेज रहता है, यानी आयरलैंड के सामने एवरेज की बात करें तो भाई यहां पर से मोहम्मद रिजवान का नेक्स्ट लेवल का एवरेज रहता है। कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन होगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाकर के जा सकते हो। और एडवांटेज कब होता है, जब ये फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हैं तब इनका एवरेज जो रहता है वो 63 का एवरेज रहता, सेकेंड राउंड बैटिंग करते हुए 43 के एवरेज से रन बनाते हैं। फिर बात करें यहां पर से बाबर आजम का, तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है रिसेंट फॉर्म में 33-13-44-36-32-75-0-57 हेड टू हेड में 3 मैच में 132 रन और 44 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 43 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 40 का एवरेज है, तो फर्स्ट और साथ में सेकंड इनिंग दोनों में तकरीबन देखा जाए तो भाई यहाँ पर से ठीक ठाक एवरेज, मतलब ठीक ठाक नहीं काफी अच्छा खासा एवरेज है। एवरेज की बात करें तो दोनों में बोल सकते हो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में सेम एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहा है। और मोहम्मद रिजवान और साथ में यहाँ पर से बात कर ले बाबर आजम, ये दोनों खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी आपको 70-75 रन का स्कोरिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। फखर जमान की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है रिसेंट फॉर्म में 4-13-11-9-45-78-20 और साथ में 43 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 3 मैच में 98 रन और 33 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में 22 का एवरेज रहता है, सेकंड इनिंग में 26 का एवरेज से रन बनाते हुए नजर आता है। फखर जमान की एक खासियत बात यह है कि भाई काफी ज्यादा पावर हिटिंग करते हैं और देखो पावर हिटिंग उस बीच में काफी अच्छा खासा चले तो इनके बल्ले से ये समझो कि भाई 20 बॉल या 25 बॉल खेलेंगे तो ये उम्मीद लगा सकते हो 50-60 रन का स्कोरिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, नहीं तो आपको 15-20 बॉल के अंदर ये अपना विकेट फेंकते हुए दिख सकते हैं। लेकिन चांसेस रहेगा कि यहाँ पर आयरलैंड के सामने 33 का एवरेज से रन बनाते हैं तो 40 के आसपास स्कोरिंग करने की काफी ज्यादा चांसेस है। फिर यहाँ पर से बात कर ले हम लोग यहाँ पर से उस्मान खान का, तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है रिसेंट फॉर्म में 2-13-3-38-31-16-5
हेटवुड में एक विनय, बैनुपर एक विनय, फर्स्ट इनिंग में 37 का एवरेज रहता, तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए दिखाई दे तो आप अपनी टीम में पिक करके जा सकते हो, आप अपनी टीम में मौका दे करके जा सकते हो। इमाद वसीम लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करके चलते हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 15 रन, 1 विकेट, 22 रन, 2 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 रन, 1 विकेट है। हेटवुड में 3 मैच में 1 रन बनाए, 1 का एवरेज है, 2 विकेट निकाले, तो तकरीबन आयरलैंड के सामने देखा जाए तो एवरेज विकेट निकालते हुए दिख रहे, तो चांसेस हो सकता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं 1 विकेट निकालने की चांसेस रहेगा, निकालते हुए नजर आ सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 30 मैच में 353 रन, 18 का एवरेज है, 35 विकेट है। सेकंड इनिंग में 17 मैच में 182 रन, 14 का एवरेज है, और साथ में यहाँ पर से 35 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पर से शादाब खान का, तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, एलबी लेग ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, लेकिन ये क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स है। और इस बैनू पर देखोगे तो बैनू पर अभी तक ये एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन चांसेस हो सकता है कि कहीं ना कहीं 1-2 विकेट निकालने की काफी ज्यादा चांसेस रहेगा। वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे तो रिसेंट फॉर्म बिल्कुल ही खराब चल रहा है। अब रिसेंट फॉर्म में देखोगे भाई इनको विकेट ही नहीं मिला, यहाँ पर 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट। अब देखो पिछले 4 मैच में देख रहे तो कंटिन्यू विकेट लेस चले, और कुछ मैच से इनको बॉलिंग का भी मौका नहीं मिला। अब देखो कुछ मैच से बॉलिंग का मौका नहीं मिलने का रीजन ये था कि भाई अगर ये सभी जो पिछला मुकाबला खेलते हुए नजर आते शादाब खान वो न्यूयॉर्क का वेन्यू था, लेकिन ये अलग वेन्यू है, तो इस वेन्यू पर स्पिनर्स बॉलर्स का भी एडवांटेज रहता। अब देखो हेटवुड में 1 मैच आयरलैंड के सामने 0 रन 0 का एवरेज और साथ में 0 विकेट निकाले। फर्स्ट इनिंग में 18 का एवरेज है, 29 मैच में 40 विकेट है। सेकंड इनिंग में बात करें तो 21 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे। नसीम साकी में बात कर लू तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। हेटवुड में 2 मैच में 2 विकेट है, एवरेज विकेट निकालते हुए दिख रहे। फर्स्ट इनिंग में 12 मैच में 19 विकेट है, और सेकंड इनिंग में 10 मैच में 9 विकेट निकालते हुए दिख रहे। अगले प्लेयर्स की बात कर ले तो अगले प्लेयर्स यहाँ पर से साइन अफरीदी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। हेटवुड में नेक्स्ट लेवल का विकेट निकालते हैं, आयरलैंड के सामने 3 मैच में भाई साहब 7 विकेट निकाले। तो इस मैच में मैं आपको सजेशन करूंगा कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बनाना चाहते हो, बहुत कम लोग ये अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके चलना तो बना करके जा सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लिए, इसका रीजन एक ही आता कि 3 मैच में आयरलैंड के सामने 7 विकेट निकाले, यानी एवरेज विकेट की बात करोगे तो भाई साहब यहाँ पर से एवरेज जो विकेट होता है आयरलैंड के सामने, 1 मैच खेलते हैं जिसमें 2 विकेट निकाल करके जाते हैं, मिनिमम 2 विकेट निकाल करके जाते हैं। अब ये समझ लेना की मैक्सिमम चांसेस हो सकता है, मैक्सिमम की बात करो तो मैक्सिमम ये भी चांसेस हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपको साहिन अफरीदी 4 या 3 विकेट भी निकालते हुए नजर आ सकते हैं। और कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके चलते हो भाई मोस्ट पिक रहेगा कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए, तो मैं आपको इसलिए सजेशन किया कि एवरेज विकेट तो 2 निकालते हैं, और मैं यहां पर से मैक्सिमम एवरेज यानी मिनिमम की बात करूं 2 विकेट और मैक्सिमम 4 विकेट निकाले करके जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोला हूं कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो आप अपनी टीम में साहिन अफरीदी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। फिर बात करें हम लोग यहां पर से हरीश रॉक का, तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, फिर यहां पर से देखते 3 विकेट 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म जबरदस्त का चला। हेटवुड में 1 विनय, बैनू पर 1 विनय, फर्स्ट इनिंग में 36 मैच में 53 विकेट है, और सेकंड इनिंग में 30 मैच में 43 विकेट निकालते हुए दिख रहे। तो यहां पर से साहिन अफरीदी और हरीश रॉक को हर हमेशा टीम में मौका दे करके चलना, लेकिन सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए साहिन अफरीदी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। फिर मोहम्मद अमीन की बात कर लू तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, हेटवुड में 2 मैच में 2 विकेट, बैनू पर 1 विनय, फर्स्ट इनिंग में 20 मैच में 24 मैच में 20 विकेट, सेकंड इनिंग में 33 मैच में कुल विकेट की बात करें तो 33 मैच में 44 विकेट निकालते हुए दिखे। बैंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बैंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंजेस होता मैं आपको अपडेट करके टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूं। अब देखेंगे आयरलैंड के तरफ से इस मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है। तो आयरलैंड की तरफ से एंडी वलवर्नी और यहाँ पर से पॉल स्टर्लिंग, ये 2 खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे। फिर एल टूकर, हैरी टेक्टर, फिर सी सैम्पर, जी डॉकरेल। अगले प्लेयर्स की बात कर ले तो डेनलाई मार्क अधीर और बैरी मैग्रेथी, जॉस लिटल और साथ में सी यंग, जो की कुछ इस प्रकार से आयरलैंड की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। अब आयरलैंड की तरफ से कौन सा बॉलर स्टार्टिंग के ओवर में और कौन सा बॉलर डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूं स्टार्टिंग के ओवर में, तो स्टार्टिंग के ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे मार्क अधीर, सी यंग और जोशुआ लिटल। ये 3 बॉलर्स आपको स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। डेथ की ओवर की बात करें, सी यंग, बैरी मैग्रेथी और जोशुआ लिटल, जो कि कुछ इस प्रकार से बॉलर्स
आयरलैंड की तरफ से स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर के चलना है आयरलैंड की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूं एंडी वलवर्नी से। तो बैटिंग स्टार लाइट हैंड बैटिंग करके जाते हैं। अब देखो रिसेंट फॉर्म में 17, 5, 5, 56, 11 और साथ में 35 रन का स्कोर किया। हेट वुड में देखोगे ना तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का इनका एवरेज रहा था। हेट वुड में 3 मैच में 128 रन और 42 का एवरेज, यानी पाकिस्तान के सामने एक मैच खेलते जिसमें एंडी वलवर्नी 42 रन का स्कोरिंग करके जाते हैं। अब देखो बहुत सारा कम लोग ही अपनी टीम में एंडी वलवर्नी को पिक करके करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही बोला था कि भाई यहां पर से 3 से 4 खिलाड़ी बहुत सारे लोग अपनी टीम में ले, ऐसे में आपको बोला था कि 2 से 3 खिलाड़ी आयरलैंड की तरफ से पिक करके चलेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे भी खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जो आपका टीम का रेशियो इस कंडीशन में भी बना करके जा सकते हो। 6 प्लेयर्स आप पाकिस्तान की तरफ से और 5 प्लेयर्स आप आयरलैंड की तरफ से भी लेकर के जा सकते हो। नहीं तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम की बात करूं, देखो यहां पर से मैक्सिमम 4 खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में लेकर के चलना है। तो आप एक एक चीज पूरी बारीकी से समझना। वही यहां पर से हम बात करें एंडी वलवर्नी का, फर्स्ट इनिंग में 41 मैच में 870 रन 21 का एवरेज रहा था। सेकंड इनिंग में 59 मैच में 1473 रन और साथ में यहां पर से 26 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। तो फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन थोड़ा बैन ऊपर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे। 2 मैच खेले जिसमें 14 रन बनाए और 7 का एवरेज है। पॉल स्टर्लिंग राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 9, 2, 36, 32, 11, 11 रन का स्कोरिंग है। हेट वुड में 2 मैच में 19 रन 9 का एवरेज है। बैन ऊपर 2 मैच में 46 रन है और 18 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। फर्स्ट इनिंग में 52 मैच में 1407 रन 27 का एवरेज है, 14 विकेट निकाले। सेकंड इनिंग में बात करें तो सेकंड इनिंग में एवरेज जो रहता 28 का एवरेज है और साथ में यहां पर से 6 विकेट निकालते हुए देख रहे। फिर बात करें यहां पर से एल टूकर का, तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 10, 10, 4, 55, 40, 73। हेट वुड में 3 मैच 128 रन और वैसा यहां पर से 42 का एवरेज है। बैन ऊपर 2 मैच खेले के 141 रन और 70 का एवरेज बैन ऊपर आता 70 का एवरेज है। अब देखो हेट वुड में और साथ में बैन ऊपर नेक्स्ट लेवल का एवरेज है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अपनी टीम में फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई दे तो एल टूकर को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बनाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। भाई साहब बहुत कम लोग अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना, बहुत कम लोग ही बना करके चल रहे। तुक्के में जो लोग टीम क्रिएट करेंगे भाई आपको पता ही होगा कि कैसा टीम क्रिएट होगा। जो वीडियो को पूरा देख लेता एक एक चीज पूरी बारीकी से पता लग सकता है कि आपको किस कंडीशन में कौन सा खिलाड़ी को लेकर चलना, कैप्टन कब बनाना, वाइस कैप्टन कब बना करके चलना। अब देखो फर्स्ट इनिंग में 27 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में काफी अच्छा खासा एवरेज है। सेकंड इनिंग में थोड़ा 20 का एवरेज रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हैरी ट्रैक्टर की बात करें तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 7, 4, 13, 1, 3, 0 हेट वुड में 3 मैच में 98 रन 33 का एवरेज है। अब यहां पर से देखा जाए एंडी वलवर्नी, एल टूकर और साथ में हैरी ट्रैक्टर पाकिस्तान के अगेंस्ट टॉप ऑर्डर का आयरलैंड की बल्लेबाज की बात करोगे तो काफी अच्छा खासा बैटिंग करके जाते हैं बहुत सारा लोग। मैं आपको बता दूं 3 यहीं पर खिलाड़ी आपको देखने को मिला, आगे मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में आयरलैंड की तरफ से लेकर के जाते हो ना, तो भाई आपके लिए काफी अच्छा खासा रहने वाला। हैरी ट्रैक्टर की फर्स्ट इनिंग में 28 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल करे 20 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। फिर सी सैम्पल राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके जाते हैं। रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो यहां पर से बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिला, 4 रन 0 विकेट 12 0 विकेट 37 0 विकेट 0, फिर 10 रन 2 विकेट 1 रन 0 विकेट। हेट वुड में 3 मैच में 38 रन 19 का एवरेज है, 0 विकेट निकाले। लेकिन बैन पर बात करें तो वैसा साहब बैन पर 2 मैच में 35 रन है, 17 का एवरेज है और साथ में बैन पर 5 विकेट निकाले, 2 ही मैच में 5 विकेट बैन पर निकाले। तो ये एक बात एडवांटेज रहा था। अब मैं सजेशन करूंगा ट्रंप कार्ड प्लेयर्स रहने वाला, अब देखो बैन पर ये बॉलिंग इनके पास एक्सपीरियंस है कि बैन पर किस प्रकार से विकेट मिलता है। अब बैटिंग से बात करोगे तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये बैटिंग से इनके बल्ले से जो रन देखने को मिल जाए 40+ रन या 30+ रन का स्कोरिंग करके जाते या फिर यहां पर से 2 विकेट निकाल करके जाते तो और भी एडवांटेज हो जाएंगे। आप फैंटेसी पॉइंट में सबसे फैंटेसी पॉइंट में बात करोगे तो बहुत कम लोग अपनी टीम में लेकर के जाएंगे और मेगा ग्रैंडली का कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा ये बन सकते हैं और ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आ सकते हैं। फिर जी डॉक्रेट राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करके
लेके चलते हैं। रिसेंट फॉर्म में 30 रन 53 रन 0 विकेट 4 रन 0 विकेट 6 रन 0 विकेट हेट वुड में 3 मैच में 45 रन 15 कवरेज से 0 विकेट निकाले। बैन ऊपर कुछ भी नहीं। फर्स्ट इनिंग में 21 कवरेज से 40 विकेट निकाले। सेकंड इनिंग में 21 कवरेज से 7 में 44 विकेट निकाले। स्पिनर्स बॉलर्स का बैन ऊपर एडवांटेज रहता। आप चाहते हो लेकर के चलना तो डॉगरेल को भी ट्राई करके जा सकते हो, लेकिन डॉगरेल की जगह पर सेफ ऑप्शन होगा कि जीडी नाइक को लेकर के चला। रिसेंट फॉर्म में ठीक ठाक विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। इधर 3 रन 1 विकेट 26 2 रन 1 विकेट 1 रन 1 विकेट यानी कंटिन्यू पिछले 4-5 मैच में देख रहे तो एक एक विकेट तो मिल ही रहा। अब देखो बैन ऊपर मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स बॉलर्स भी बड़े आसानी तरीके से विकेट निकाल करके जाता है, तो चांसेस हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 2 विकेट इस प्रकार के बैन ऊपर ये निकालते हुए नजर आ जाए। वैसे हेट उनमें 2 मैच में 38 रन 19 कवरेज से 7 में 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे। फर्स्ट इनिंग में 28 मैच में 545 रन 23 कवरेज और 32 विकेट निकाले। सेकंड इनिंग में 24 कवरेज रहता कुल 12 विकेट निकाले। फिर मार्क आदिर की बात करें तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, राइट हैंड फास्ट और मीडियम बॉलिंग करके जाते हैं। रिसेंट फॉर्म में 34 रन 1 विकेट 3 रन 1 विकेट 19 रन 2 विकेट 3 विकेट 49 रन और 7 में 2 विकेट है। हेट वुड में 3 मैच में 10 रन बनाए 5 कवरेज है लेकिन 3 मैच में 5 विकेट निकाले। पेसर्स बॉलर्स में बात करें यहाँ पर से आयरलैंड की तरफ से तो क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से इस मैच में तो फिक्स है कि पाकिस्तान के सामने 2 विकेट निकालते हुए दिखेंगे। मिनिमम 2 विकेट मैक्सिमम 3 विकेट भी मिलने का चांसेस रहेगा। बैन ऊपर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 मैच में 12 रन 6 कवरेज 1 विकेट निकाले। फर्स्ट इनिंग में आ जाते हैं तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर से 14 कवरेज आता है और सेकंड इनिंग में 15 कवरेज रन बनाते हुए देख रहे हैं। फिर बात करें बैरी मैग्रीथी का तो राइट और फास्ट में बॉलिंग करके जाते हैं। रेसर फॉर्म में 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट हेट वन में 1 मैच में 0 विकेट लेकिन बैन पर 2 मैच में 4 विकेट निकाले। फर्स्ट इनिंग में 31 मैच में 36 विकेट है और सेकंड इनिंग में 22 मैच में 15 विकेट निकाले। तो आप अपनी टीम में चाहते हो मौका देना तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे तो आप अपनी टीम में ले करके जा सकते हो। जोशुआ लिटल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट इधर 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। भाई जोशुआ लिटल की बात करूं तो आयरलैंड की तरफ से क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से जोशुआ लिटल को आप अपनी टीम में हर हमेशा मौका दे करके जा सकते हो। लेफ्ट यहाँ पर से बात करें सियोंग का तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करके जाते हैं। रिसेंट फॉर्म जबरदस्त का कंटिन्यू 2-2 विकेट है 3 विकेट 1 विकेट यहाँ पर 2 विकेट। हेट वन में एवरेज विकेट निकाले 3 मैच में 3 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में 31 मैच में 45 विकेट सेकंड इनिंग में 29 मैच में 25 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब देखो बैच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बैच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंज होता है जो भी चेंजेस होता है मैं आपको अपडेट करके टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूं। और फाइनली यहां पर से देखेंगे कि इस मैच के लिए की प्लेयर्स कौन कौन सा हो सकता है। की प्लेयर्स की मैं बात करूं तो जोशुआ लिटल मोहम्मद रिजवान और साथ में साइन अफरीदी हरीश राव मार्क आदिर बाबर आजम नसीम शाह इस मैच के लिए की प्लेयर्स रहेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन में साइन अफरीदी मार्क आदिर और मोहम्मद रिजवान को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया करके जा सकते हो। ट्रम्प कार्ड प्लेयर में सियंग इमाद वसीम और साथ में एल टूकर इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहने वाले। अब यहां पर से प्लेयर्स बैटल में पाकिस्तान के देखेंगे सबसे पहले कौन सा बल्लेबाज है जो आयरलैंड के कौन सा बॉलर्स के सामने रन बनाते या फिर विकेट फेंकर के जाते हैं, इसका आप एक कहीं पर लिख भी सकते हो नहीं तो पूरी बारीकी से समझना। जब आप टीम क्रिएट करोगे तो भाई प्लेयर्स बैटल आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। सबसे पहले सेम आयुब की बात करें तो मार्क आदिर के सामने 13 ओवर में 12 रन 2 बार विकेट मार्क आदिर के सामने फेंके, चांसेस हो सकता है कि तीसरा बार भी विकेट फेंकते हुए नजर आ जाए। फिर बात करें यहां पर से जी डेनलाई के सामने 6 ओवर में 9 रन है 1 बार विकेट फेंके। वेन वाइट के सामने 6 ओवर में 13 रन और साथ में 0 बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। बाबर आजम की बात करें तो सी यंग के सामने 20 ओवर में 23 रन है 2 बार विकेट फेंके सी यंग के सामने, अब हो सकता है तीसरा बार भी विकेट फेंकते हुए नजर आ सकते हैं। सी सैंपर के सामने 21 ओवर में 36 रन 0 बार विकेट है। फिर यहां पर से देखते तो मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं तो मार्क आदिर के सामने 17 बॉल में 12 रन 1 बार विकेट, फिर सी सैंपर के सामने 24 ओवर में 38 रन 0 बार विकेट है। फखर जमान की बात करें तो मार्क आदिर के सामने 6 बॉल में 7 रन 1 बार विकेट, वेन वाइट के सामने 14 बॉल में 16 रन है और साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंकते हुए देख रहे हैं। अब आयरलैंड की तरफ से प्लेयर्स बैटल में सबसे पहले देखेंगे पॉल स्टर्लिंग का प्लेयर्स बैटल, तो मोहम्मद आमिर के सामने पॉल स्टर्लिंग ने 15 बॉल में 13 रन बनाए 3 बार विकेट मोहम्मद आमिर के सामने फेंके, चौथा बार भी हो सकता है तो विकेट फेंकते हुए कहीं ना कहीं देख जाए। फिर साइन अफरीदी के सामने 15 ओवर में 18 रन 2 बार विकेट साइन अफरीदी। अब देखो मोहम्मद आमिर और साइन अफरीदी के अगेंस्ट ये आपको विकेट फेंकते हुए नजर आएंगे। एल टूकर की बात करें तो यहां पर से
अब्बास अफरीदी जो कि अभी खेल नहीं रहे उनके सामने दो बार विकेट फेंके, इमाद वसीम के सामने 19 बॉल में 20 रन बनाए, एक बार विकेट फेंके, तो हो सकता है इमाद वसीम इस मैच में आपको बॉलिंग करेंगे। बैन पर स्पिनर्स बॉलर्स का एडवांटेज रहा था, तो L2 पर अपना विकेट फेंकते हुए इमाद वसीम के अगेंस्ट नजर आ सकते हैं। एंडी वालवेनी की बात करें तो साहिद अफरीदी के सामने 25 बॉल में 24 रन है, दो बार विकेट फेंके, तीसरा बार भी विकेट फेंकते हुए नजर आ सकते हैं। अब्बास अफरीदी के सामने बात करें अभी तो ये खेल नहीं रहे, उनके सामने भी एक बार विकेट फेंके। फिर बात करें यहाँ पर से सी सैंपर का, तो मोहम्मद आमिर के सामने दो बॉल में एक रन, एक बार विकेट है। साइन अफरीदी के सामने सात बॉल में 22 रन और साथ में यहाँ पर से एक बार विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब चलो यहाँ पर से देख लेते कि मैं अपना टीम किस प्रकार से क्रिएट किया, मैं अपने टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया हूं। तो सबसे पहले देखो मैं जो अपना टीम बनाया हूं और जो दूरिया टीम बनाया करके चलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। तो देखो आप लोग किस प्रकार से टीम क्रिएट करोगे मैं आपको बता दूं, तो आप अपनी टीम में यही कोशिश करोगे मोहम्मद रिजवान, तो फिर से मोहम्मद रिजवान को मैं भी सजेशन किया कि लेकर के चला। विकेट कीपर सेल्टू कर हो गया, लेकिन बैटिंग से बाबर आजम और दुनिया फखर जमान को पिक करके चले। लेकिन बैटिंग से आपको क्या कर लेना कि आपको आयरलैंड की तरफ से एक बैटिंग से खिलाड़ी को पिक करके चलना, क्योंकि पीस जो होने वाला वह पीस होने वाला बैटिंग पीस होने वाला। अब देखो ऑलराउंडर से मैं आपको सजेशन किया मार्क अधीर, और ऑलराउंडर से आप एक ऑलराउंडर से आयरलैंड की तरफ से बढ़ा करके जा सकते हो। बॉलिंग से देखोगे तो बहुत सारा लोग हरीश श्रॉफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, साइन अफरीदी और साथ में जसवा लिटल को पिक करके चलेंगे। और मैं आपको बता दूं तो बॉलिंग से आप अपने टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी को लेकर के चलना, मैं आपको यहां पर से एक साइन अफरीदी के बारे में बताया कि साइन अफरीदी को लेकर के चलना, साथ में मोहम्मद आमिर आयरलैंड के सामने ठीक ठाक बॉलिंग करके जाते तो मोहम्मद आमिर को भी फिक्स है कि लेकर के चलना, जसवा लिटल और साथ में बैरी मैग्रिथ, ये भी बॉलर्स आपके लिए इंपोर्टेंट ठीक हो सकते हैं, आप अपनी टीम में इस बॉलर्स को भी लेकर के जा सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टीम का रेशियो ऐसे ही बना करके जा सकते हो कि सात प्लेयर्स आप पाकिस्तान की तरफ से और चार प्लेयर्स आप आयरलैंड की तरफ से भी लेकर के जा सकते हो, नहीं तो टीम का रेशियो आप इस कंडीशन में बना करके जा सकते हो कि छह प्लेयर्स आप पाकिस्तान की तरफ से और पांच प्लेयर्स आप आयरलैंड की तरफ से भी लेकर के जा सकते हो। और आयरलैंड की तरफ से टॉप बात करें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज का, तो यहां पर से एक पॉल स्टर्लिंग छोड़ करके मैं यहां पर से एंडी वालवेनी और साथ में और खिलाड़ी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। अब बैटिंग लाइन की बात करूं तो पाकिस्तान के सामने एवरेज काफी अच्छा खासा रहा था। अब देखो फाइनल जो टीम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टॉस होने के बाद मैं ऐसे अपना फाइनल टीम देता हूं वह टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, अभी टॉस नहीं हुआ और मेरा अभी फाइनल टीम नहीं बना, टॉस होने के बाद फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, तो लिंक बता दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से जो भाई अभी तक के नए ज्वाइन किए, जिससे भी बिल्कुल फ्री में बने बनाए हो टीम चाहिए, वह टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते फिर एक नए और फ्रेस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग, और साथ में वीडियो अच्छा लगा हुआ तो जाते जाते बोलूंगा कि इस वीडियो को दबा के जल्दी से एक लाइक भी कर देना।